हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार। पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इस बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो इस तरह होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी की फॉर्म वॉज वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सेंटेंस पैटर्न है वो इस तरह बदल जाएगा। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, कहने का अर्थ ये है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, देन टू बी की फॉर्म मींस ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर्ब, देन बीइंग और देन पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद हम बाय का प्रयोग करेंगे और फिर एजेंट। मींस एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। नाउ लेट्स एक्सप्लेन सम एग्जांपल। पहला ही उदाहरण है, एग्जांपल है, राम वॉज फ्लाइंग अ काइट। इसमें राम सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, फ्लाइंग मेन वर्ब है और काइट ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो अ काइट है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, अ काइट, देन वॉज, वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक काइट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, देन पास्ट पार्टिसिपल, फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल होगा फ्लॉन, उसके बाद बाई और देन राम। अ काइट वॉज बींग फ्लोन बाई राम। और सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, माई मदर वॉज बीटिंग मी। इस सेंटेंस में माई मदर सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, बीटिंग मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मी को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, मी को हम चेंज करेंगे आई में। आई के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब वॉज का प्रयोग किया क्योंकि आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। उसके बाद बींग का प्रयोग किया, फिर हम बीट की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बीटन, बीटन का प्रयोग करेंगे, देन बाई और उसके बाद में हम माई मदर जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बना, आई वॉज बींग बीटन बाई माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में गीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। गीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब और अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, अ सॉन्ग, सॉन्ग वॉज, बिकॉज अ सॉन्ग इज सिंगुलर सो वी यूज वॉज। इसके बाद बींग का प्रयोग करेंगे और बाद में पास्ट पार्टिसिपल, सिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है संग, सिंग सेंग संग। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और बाद में जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, गीता, अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाई गीता। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, सी वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो मिल्क को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, मिल्क को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया पैसिव वॉइस में, मिल्क के बाद वॉज का प्रयोग किया क्योंकि मिल्क सिंगुलर है। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, देन बींग एंड देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और फिर हम
सब्जेक्ट को सी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, सी का सब्जेक्ट जो सी के रूप में प्रयोग होता है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो हर का प्रयोग होगा। मिल्क वॉज नॉट बींग ड्रंक बाई हर। तो इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में माई पेरेंट्स वर नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर। इसमें न्यूज़ पेपर है जो ऑब्जेक्ट है उसको फिर सब्जेक्ट बनाएंगे हम। न्यूज़ पेपर्स वर इसीलिए लगा क्योंकि न्यूज़ पेपर प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। न्यूज़ पेपर वर नॉट के बाद बींग का प्रयोग, फिर वही रीड का पास्ट पार्टिसिपल रेड, रीड रेड रेड, देन बाई और फिर हम माई पेरेंट्स यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट में लिख देंगे माई पेरेंट्स। न्यूज़ पेपर वर नॉट बींग रेड बाई माई पेरेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज़ हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हैज हैव का प्रयोग, फिर बीन का प्रयोग, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई एंड देन एजेंट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है माय मदर हैज़ बीटन मी। माय मदर सब्जेक्ट है, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, बीटन मेन वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। मी को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो मी को चेंज करेंगे तो आई आएगा, आई के बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, फिर बीन लगाएंगे, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीट बीट बीटन, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और फिर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है माय मदर उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो सेंटेंस इस तरह बनता है आई हैव बीन बीटन बाई माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता हैज संग अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अ सॉन्ग हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि अ सॉन्ग सिंगुलर है, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, देन सिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल है सिंग सेंग संग, संग का प्रयोग करेंगे, देन बाई एंड देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में गीता, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई गीता। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, सी हैज़ नॉट ड्रंक मिल्क। तो मिल्क जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, मिल्क हैज़ नॉट बीन ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक बाई, और सी जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, सी को चेंज करेंगे हर में, मिल्क हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए माई पेरेंट्स हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर। इसमें न्यूज़पेपर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, उसके बाद बाई का प्रयोग और फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है माई पेरेंट्स उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे माई पेरेंट्स। न्यूज़पेपर हैज़ नॉट बीन रेड बाई माई पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस द गार्डनर हैज़ वॉटर्ड द प्लांट्स। दी प्लांट्स ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दी प्लांट्स क्योंकि दी प्लांट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे, दी प्लांट्स हैव बीन वॉटर्ड बाई द गार्डनर। इसके बाद हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन बाई एन एजेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, माई मदर हैड बीटन मी। सबसे पहले हम मी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मी को चेंज करेंगे आई में, आई के बाद हैड, फिर बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बीट, बीट बीट बीटन, देन बाई, देन माई मदर जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई मदर, आई हैड बीन बीटन बाई माई मदर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, गीता हैड संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, अ सॉन्ग हैड, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिंग, सिंग सेंग संग, देन बाई एंड देन गीता। एक्टिव वॉइस में जो गीता सब्जेक्ट है, यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाई गीता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो नेगेटिव है, माई पेरेंट्स हैड नॉट रीड न्यूज़पेपर, माई पेरेंट्स हैड नॉट रेड न्यूज़पेपर। इसको चेंज करते हैं, न्यूज़पेपर का हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में, न्यूज़पेपर हैड, देन नेगेटिव नॉट, हैड नॉट बीन, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रीड इज रेड, रीड रेड रेड, न्यूज़पेपर हैड नॉट बीन रेड बाई माई पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गार्डनर हैड वॉटर्ड द प्लांट। इसमें द प्लांट्स, प्लांट्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स प्लूरल है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हर समय आपको हैड का ही प्रयोग करना है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। द प्लांट्स हैड बीन, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, वॉटर्ड बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे द गार्डनर, द प्लांट्स हैड बीन वॉटर्ड बाई द गार्डनर। तो इस तरह हमने सीखा कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम सीखेंगे कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, टू इन्फिनिटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।